मेहरबान निहायत रहम वाले अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? दरअसल आसमानों और जमीन की कुल कायनात का मालिक अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह से पहले फी सभी अल्लाह दिया है और कताल किया है, वो बराबर नहीं बल्कि इनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं। इन्होंने फतह के बाद खैरात दी और जिहाद किए। हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह ताला का उन सब से है। जो कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह खबरदार है। कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छी तरह कर्ज दे फिर अल्लाह ताला उसे उसके लिए बढ़ाता चला जाए और उसके लिए पसंदीदा अजर साबित हो जाए? क्यामत के दिन तू देखेगा कि मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे आगे और उनकी दाएं दौड़ रहा होगा। आज तुम्हें इन जंतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जा रही हैं, जिनमें से हमेशा की रिहाइश है। ये है बड़ी कामयाबी। उस मुनाफिक मर्द व औरत ईमान वालों से कहें कि हमारा इंतजार तो करो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। जवाब दिया जाएगा कि तुम अपनी पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर उनके और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाज़ा होगा। उसके अंदरूनी हिस्से में तो रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। ये चला चला कल उनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? वो कहेंगे हाँ थे तो सही, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में फंसा रखा था और इंतजार में ही रहे, शकवा शोबा करते रहे और तुम्हें तुम्हारी फजूल तमन्नाओं ने धोखे में ही रखा। यहाँ तक के थे अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा और तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने वालों ने धोखे में ही रखा। अलगर्ज आज तुमसे ना फिदिया कबूल किया जाएगा और ना काफरों से। तुमका ठिकाना दोजख है, वहीं तुम्हारी रफीक है, वो बहुत बुरा ठिकाना है। क्या अब तक ईमान वालों के लिए वक़्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से और जो हक उतर चुका है उसे नर्म हो जाएं और उनकी तरफ ना हो जाएं? और जिन्हें इनसे पहली किताब दी गई थी, फिर जब उन पर एक ज़माना दूर दराज गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए। इनमें से बहुत फासिक थे। यकीन मानो कि अल्लाह ही ज़मीन को उसकी के मौत के बाद जिंदा कर देने वाला है। हम तो तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान कर दें ताकि तुम समझो। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो अल्लाह के खलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं उनके लिए ये बढ़ाया जाएगा और इनके लिए पसंदीदा अजर व सवाब है। अल्लाह उसके रसूल पर